तो किया था। उद्घाटन तो नरेंद्र मोदी ने बाथरूम का भी किया था, लेकिन उसमें तो घोटाला हो गया ना। पहली बार मैं किसी प्रधानमंत्री को देख रहा हूँ जो जगह जगह जाके उद्घाटन का ही काम कर रहा है। हाँ। अगर प्रधानमंत्री मंदिर हाँ। के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य करेगा हाँ। तो जो तमाम शंकराचार्य हैं ये क्या स्कूल का अस्पताल का उद्घाटन करेंगे? अरे देश में तो सुन लीजिए, देश में तो वैसे ही ताला लगा पड़ा है हाँ। महंगाई पर, बेरोजगारी सब तो इन्होंने ला दी है, देश की सारी कंपनियों पर ताला लगा दिया। महंगाई है कहाँ? महंगाई नहीं है, लाओ जरा 5000 रुपए देना जेब से है आप। मैं आपके लिए महंगाई नहीं है, आप अंबानी की लड़की है या टाटा बिरला की? पहले तो करोड़ बोलने में आपकी जो जबान तुतला रही है ना, मुझसे गुटका थूक कर बात करिए। करोड़ आप बोल नहीं पा रही ठीक से, करोड़ की बात कर रही हैं आप। ये करोड़ों का पता नहीं पकोड़े जरूर दे दिए लोगों को। भीड़ ना लगाए उसके बाद आए। हाँ 22 तारीख को भीड़ ना लगाए, क्यों ना लगाए भीड़? तुमने खरीद लिया अयोध्या को या तुमने खरीद लिया राम को? है तुम चुनाव लड़के लेके आए राम को? मोदी जी पैर रखते काया पलट जाती है। हाँ काया पलट तो गई, ट्रंप की पूरी काया पलट दी। ट्रंप जेल में घुस गया, उधर पाकिस्तान वाला जेल में घुस गया, और पाकिस्तान जाके बिरयानी तोड़कर यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं हाँ। राम सभी के आप होते कौन है? राम मंदिर का लोगों को इन्विटेशन भेजने वाले हाँ। आप हैं कौन? जरा सवाल का जवाब दीजिए। राम हमारे हैं, अरे है कौन? कौन है आलिया भट्ट? कौन है रणवीर कपूर? क्या इनका योगदान है? हम पागल हैं इस देश में? राम हमारे हैं, इन्होंने क्या करा राम के लिए? ये क्या जानते हैं राम के बारे में? नहीं ये लोग है कौन? वो प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जो अपने आदर्श और विचार के लिए जाने जाते थे। आज आप सोचिए कि जब शिखर बनाने के लिए मजदूर चढ़ेंगे तो उनके सर पे पांव रख के चढ़ेंगे। दूसरी बात, ये एक तस्वीर जिसमें नरेंद्र मोदी जी जो है वो राम को पकड़ कर लेकर आ रहे हैं। नहीं नहीं एक बात आप मुझे बताइए, आप में कोई शर्म नाम की चीज बची है? नहीं बची है। तमाम हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोगों से एक सिंपल और साधारण सा सवाल पूछता हूं हाँ। कि क्या आप नरेंद्र मोदी की भक्ति में इतने चूर हो गए कि आपको यह भी नहीं दिखता कि राम नरेंद्र मोदी को लेकर आए हैं, लेकिन उसमें यह दिखाया जा रहा है कि मोदी जो है वो राम को लेकर आ रहे हैं? चारों शंकराचार्य ने कहा है कि अगर हम नहीं जा रहे हैं तो मंदिर में क्या क्या होता है, वो सब बताया उन्होंने। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य हो रहा है और इस प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के अंदर जो हमारे चारों शंकराचार्यों के जो पीठ हैं वो वहां पर उपस्थित नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में जिस प्रकार से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य है, मैं समझता हूं कि वो संपूर्ण नहीं होगा। दूसरी बात यह कि जिनके पास में उस चीज की नॉलेज है, जिनके पास में उस चीज का ज्ञान है, वो लोग तो वहां पर मौजूद नहीं है। जिनके पास में ज्ञान नहीं है वो अपनी राजनीति करने के लिए राम मंदिर को तैयार करवा रहे हैं और अधूरे अधूरे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्य करवा रहे हैं। आप अगर बात करती है हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म के मुताबिक जब तक, हमारे शास्त्रों के मुताबिक जब तक मंदिर का संपूर्ण कार्य पूरा नहीं हो जाता, जब तक मंदिर पर ध्वज नहीं लहर जाता, उससे पहले मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य नहीं हो सकता हाँ। नहीं तो पिशाच आ जाते हैं हाँ। ये हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है। अभी मंदिर का शिखर बन के तैयार हुआ नहीं है हाँ। अभी मंदिर का शिखर बन के तैयार नहीं हुआ, 80% मंदिर अभी रेडी हुआ है हाँ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो है वो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो है वो लग गए हैं उसके उद्घाटन में, प्राण प्रतिष्ठा में जी। मैं आपको बता दूं, आप सुन लीजिए, अभी शिखर बन के तैयार हुआ नहीं है हाँ। तो जब नरेंद्र मोदी जी जो है वो प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे हाँ। तो रामलला तो मंदिर के अंदर विराजमान हो जाएंगे हाँ। तो उसके बाद में जब शिखर बनाने के लिए मजदूर उसके ऊपर चढ़ेंगे तो साक्षात भगवान के सर पे पांव रखेंगे, जो कि भगवान का साक्षात अपमान है। लेकिन हम उन तमाम लोगों का क्या करें जो अंधभक्ति में इतने चूर हो गए, इतने मशगूल हो गए कि उन्होंने प्रभु श्री राम की मर्यादा को तार तार करने का काम किया। वो प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जो अपने आदर्श और विचार के लिए जाने जाते थे, आज आप सोचिए कि जब शिखर बनाने के लिए मजदूर चढ़ेंगे तो उनके सर पे पांव रख के चढ़ेंगे। दूसरी बात, ये एक तस्वीर जिसमें नरेंद्र मोदी जी जो है वो राम को पकड़ कर लेकर आ रहे हैं। नहीं नहीं एक बात आप मुझे बताइए, आप में कोई शर्म नाम की चीज बची है? नहीं बची है। तमाम हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोगों से एक सिंपल और साधारण सा सवाल पूछता हूं हाँ। कि क्या आप नरेंद्र मोदी की भक्ति में इतने चूर हो गए कि आपको यह भी नहीं दिखता कि राम नरेंद्र मोदी को लेकर आए हैं, लेकिन उसमें यह दिखाया जा रहा है कि मोदी जो है वो राम को लेकर आ रहे हैं? क्या क्या भाजपा की या किसी की औकात है कि कोई राम को ला सकता है? राम आपको और मुझे लाए? देखिए इस तरीके की बातें ना करें, आप एक हाँ। पत्रकार हैं, फिर मैं भूल जाऊंगा कि मैं मर्यादा भी नहीं रखूंगा हाँ। फिर लेकिन मौज सभा क्या लग रही है? शंकराचार्य ने कहा है कि केवल 6 सेकंड का मुहूर्त नहीं होता, 48 घंटे का होता। एक बात आप मुझे बताइए, क्या 6 सेकंड में पूरे प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपूर्ण हो जाएगा हाँ। क्या 6 सेकंड के अंदर पूरा यज्ञ जो है वो संपूर्ण हो जाएगा हाँ। आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए ना हाँ। पहली बात तो ये कि जो रामलला के जो मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्य है हाँ। ये होना चाहिए 17 अप्रैल के दिन हाँ। 17 अप्रैल जो कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र के हाँ। जन्मदिन का दिन है, उनके जन्म दिवस का दिन है हाँ। उस दिन
मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य होना चाहिए था हाँ। या फिर दीपावली के शुभ अवसर पर होना चाहिए था हाँ। जिस दिन प्रभु श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास त्याग कर हाँ। अपने घर पर पहुंचे थे हाँ। तो उस दिन होना चाहिए था हाँ। लेकिन आप सोचकर देखिए, इन दोनों में से एक भी दिन को चिन्हित नहीं किया गया हाँ। दिन चिन्हित किया गया 22 अप्रैल का हाँ। जबकि उस 22 अप्रैल को सिर्फ और सिर्फ 6 सेकंड का मुहूर्त है। 6 सेकंड के मुहूर्त में क्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपूर्ण हो जाएगा हाँ। आप मुझे बताइए। शंकराचार्य बोल रहे थे कम से कम 3 दिन लगते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। यज्ञ होता है हाँ। फिर भगवान का जो है वो अभिषेक होता है हाँ। दुग्ध से होता है, घी से होता है, तमाम चीजों से भगवान का अभिषेक होता है और उसके बाद ही जो है मंदिर में भगवान को विराजमान किया जाता है। चारों शंकराचार्य को इन्विटेशन भी नहीं आया राम मंदिर के उद्घाटन का? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इन्विटेशन तो तब आता चारों शंकराचार्यों को अगर वाक्य में ही ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य होता। ये किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम हो रहा है, मैं तो ये हाँ। समझ रहा हूँ। क्योंकि आप एक बात सोचिए हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं हाँ। पहली बात तो मुझे ये बताइए कि कैसे एक व्यक्ति हाँ। बिना अपनी स्त्री के, पत्नी के, वो मंदिर के जो है वो उसमें प्राण प्रतिष्ठा के कार्य में बैठ सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक पत्नी के बिना जो है वो यज्ञ जो है वो संपूर्ण नहीं होता है हाँ। लेकिन नरेंद्र मोदी कैसे अपने बिना पत्नी के उस यज्ञ में बैठेंगे? आपको पता होगा कि ब्रह्मा जी जो है जब एक बार यज्ञ कर रहे थे तो माता सावित्री आई नहीं थी हाँ। तो उन्होंने माता सावित्री के बिना ही यज्ञ को किया हाँ। तो वो संपूर्ण नहीं हो पाया हाँ। था। तो हिंदू धर्म के मुताबिक कोई भी यज्ञ तब संपूर्ण होता है जब साथ में स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ बैठते हैं हाँ। जी लेकिन आप प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं कि मोदी जी क्यों कर रहे हैं, उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं आप? नहीं, तमाम लोग हैं, निमंत्रण भेज रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, इसमें उनसे हमें आपत्ति भी है ना, जो लोग नहीं जाएंगे। नहीं, एक बात मुझे बताइए, पहली बात तो ये है कि आप निमंत्रण किससे पूछकर भेज रहे हैं? आप हैं कौन? ये जो राम जो है ये नरेंद्र मोदी की या किसी की जो है वो पैतृक संपत्ति नहीं है हाँ। राम सभी के, आप होते कौन है? राम मंदिर का लोगों को इन्विटेशन भेजने वाले हाँ। आप हैं कौन? जरा सवाल का जवाब दीजिए। राम हमारे हैं, अरे है कौन? कौन है आलिया भट्ट? कौन है रणवीर कपूर? क्या इनका योगदान है? हम पागल है इस देश में? राम हमारे हैं, इन्होंने क्या करा राम के लिए? ये क्या जानते हैं राम के बारे में? नहीं, ये लोग है कौन? अरे मैं आपसे पूछता हूँ, ये है कौन? ये बस ये है कि इनके पास पैसा है, मोटे पैसे वालों के हैं राम। मुझे ये बताइए ना, हाँ। ये लोगों का लेवल क्या है हाँ। जो लोग राम को बुलाने का काम कर रहे हैं, जो निमंत्रण दे रहे हैं, ये लोग हैं कौन हाँ। इनका नाम बताओ मुझे हाँ। अरे भैया आप लोग होते कौन है? राम आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है? अरे आप होते कौन भेजने वाले हाँ। अगर हमें निमंत्रण नहीं आया तो हम नहीं जा सकते हाँ। है नरेंद्र मोदी ने या भाजपा ने या आरएसएस ने राम को खरीद लिया है? मोदी जी ने कहा तो है कि 22 तारीख को भीड़ ना लगाए, उसके बाद आए हाँ। 22 तारीख को भीड़ ना लगाए, क्यों ना लगाए भीड़ हाँ। तुमने खरीद लिया अयोध्या को हाँ। या तुमने खरीद लिया राम को है? तुम चुनाव लड़के लेके आए राम को? मोदी जी पैर रखते काया पलट जाती है हाँ। काया पलट तो गई, ट्रंप की पूरी काया पलट दी, ट्रंप जेल में घुस गया, उधर पाकिस्तान वाला जेल में घुस गया और पाकिस्तान जाके बिरयानी तोड़कर यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं हाँ। पहले पाकिस्तान की बिरयानी खाली घपा हाँ, गया को क्या नहीं दे दिया मोदी जी ने? अब देखिए ना, जितने करोड़ लोगों को घर देते थे राम जी को भी अब घर दे दिया, पक्का मकान। पहले तो करोड़ बोलने में आपकी जो जबान तुतला रही है ना, मुझसे गुटका थूक कर बात करिए। करोड़ आप बोल नहीं पा रही ठीक से, करोड़ की बात कर रही है आप। ये करोड़ों का पता नहीं पकौड़े जरूर दे दिए लोगों को। क्या भगवान राम भी बीपीएल कार्ड यूज करते हैं? पक्का मकान दे दिया मोदी जी ने? आप एक बात मुझे ये तो पता नहीं कि भगवान राम बीपीएल कार्ड यूज करते हैं, आधार कार्ड यूज करते हैं, पैन कार्ड यूज करते हैं? क्योंकि आपका मानसिक संतुलन खराब है, मेरा मानसिक संतुलन खराब नहीं है। खुद का है ना, अपने ट्विटर अकाउंट हैंडल से ट्वीट करके कहा हाँ। कि राम, भगवान राम को पक्का घर दे दिया हमने। भगवान राम को इनका पक्का घर देने की औकात है? जिनको पक्का घर देने की बात कर रहे थे, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, उनको तो दिया नहीं गया हाँ। आप राम को पक्का मकान देंगे हाँ। राम ने अपने जीते जी तो 14 वर्ष का वनवास काटा हाँ। और आप कह रहे हैं कि राम को पक्का मकान दे दिया हाँ। इस देश की जो गरीब जनता ठंड से मर रही है ना ठिठुर कर हाँ। उनको पक्का मकान दे दो, राम जी तो अपने आप ले लेंगे मकान। कल को अगर ये कहेंगे कि हम अपने बाप को लेकर आए, आप मान लेंगे कि अपने बाप को भी लाए? नहीं जा पाएंगे, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वो अभाव गए हैं ना, कह तो रहे हाँ। तो सबको भिजवा देता हूँ, सबकी टिकट करा दो, है आप में दम, आपके मोदी में भी दम हो तो 15,000-20,000 रुपए की टिकट आ रही है। यूपी में है, राजस्थान में, सार्वजनिक अवकाश है 22 तारीख को। सार्वजनिक अवकाश से क्या होगा? क्या होगा हाँ। सार्वजनिक अवकाश से महंगाई हाँ। बेरोजगारी सब दूर हो जाएगी। अब 22 जनवरी को ऐसे अरे देश में तो सुन लीजिए, देश में तो वैसे ताला लगा पड़ा है हाँ। महंगाई पर, बेरोजगारी सब तो इन्होंने ला दी है, देश की सारी कंपनियों पर ताला लगा दिया। महंगाई है कहाँ? महंगाई नहीं है, लाओ जरा 5,000 रुपए देना जेब से है आप। मैं आपके लिए महंगाई नहीं है, आप अंबानी की लड़की है या टाटा बिरला की? खुद निर्मला सीतारमण कह रही है ना, निर्मला सीतारमण तो ये भी कहती है मैं लहसुन और प्याज नहीं खाती हाँ। है तो उनकी बात सुनेंगे आप? तो ये अगर महंगाई नहीं है देश में हाँ। तो जो देश पे इतना बड़ा कर्जा हो गया कैसे हाँ। हो गया? ये पैसा कौन से चूरन में ठोकी आए नरेंद्र मोदी जी, जरा ये तो बता दें, कौन सी भांग खा गए? विकास हो रहा है ना, विकास कितनों के घर में विकास कर दिया मुझे ये तो बता दो।
कहाँ है विकास? आपको नजर नहीं आ रहा है तो इसमें आपकी गलती है ना? आपको नजर आ रहा है तो आप बता दो कहाँ है विकास? इतना तो विकास कर दिया, आप देख रहे हैं अयोध्या में कितना विकास हो गया। अयोध्या में देखिए एयरपोर्ट खुल गया, अयोध्या में एयरपोर्ट खुल गया, नरेंद्र मोदी ने खोला एयरपोर्ट। अब उद्घाटन तो किया था ना उन्होंने, उद्घाटन तो किया, उद्घाटन तो नरेंद्र मोदी ने बाथरूम का भी किया था, लेकिन उसमें तो घोटाला हो गया ना। पहली बार मैं किसी प्रधानमंत्री को देख रहा हूँ जो जगह जगह जाके उद्घाटन का ही काम कर रहा है। अगर प्रधानमंत्री मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य करेगा तो जो तमाम शंकराचार्य हैं ये क्या स्कूल का अस्पताल का उद्घाटन करेंगे? क्या कर रही है, जवाब दो। पेट में दर्द क्यों हो जाता है मोदी जी का नाम सुनते ही? मेरे पेट में दर्द का पता नहीं, आपको बेहद जलन है, कल आपको बर्नौल ला दूंगा, बर्नौल लगाइएगा। मेरी पेट का दर्द का पता नहीं, आपके सवाल तो ओहो सवाल तो बड़े आपकी अर्थव्यवस्था पर है ना, जो मेरे पास जवाब नहीं है। आप तो बड़े अर्थव्यवस्था पर सवाल पूछ रही हैं। कहा तो है जो मोदी जी का प्राण प्रतिष्ठा पे विरोध कर रहे हैं वो सारे रावण की संतानें हैं। कहा तो है। अच्छा वो सारे रावण की संतानें हैं, तो इनसे पूछ रहे तुम रावण को नहीं मानते? रावण तो वो थे जिसने पराई स्त्री को हाथ भी नहीं लगाया, ठीक है। जो तुम रावण को इतना दिखाने का काम करते ना, रावण कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। रावण इस सृष्टि पे सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा प्रकाश पंडित था, ठीक है। और ये जो बात करें बाबा बागेश्वर, ये तो मैच भी जिता रहा था टीम इंडिया को, क्या हुआ? और ये मैं कह रहा हूँ सब पहुंचेंगे। अरे सुन लो, कोई बात नहीं की थी उन्होंने, कहा अर्जी नहीं लगाई किसी ने टीम। हाँ तो एक काम करो, मैं अर्जी लगवाता हूँ, अंबानी अडानी बन जाऊंगा क्या? अर्जी लगाए जाके बाबा बागेश्वर के दरबार में जाए। अगर ऐसे अर्जी लगने से बनते ना तो भारत पे सारा कर्जा उतर जाता। मैं अर्जी कल ही लगा देता हूँ, भारत पे जो कर्जा चढ़ रहा है वो उतर जाएगा। अर्जी लगाए ना, कोशिश करे ना अर्जी लगा। आप एक काम करिए, आप देश में नहीं रहती? देश में रहती रहती है, हैं? तो आप क्यों नहीं लगाती जाके अर्जी? आप नहीं चाहती देश पे कर्जा उतरे? किसी किसी की अर्जी एक्सेप्ट करते हैं ना। अच्छा किसी किसी की? तो यानी आप इतने बुरे हैं, दलाली कर करके आपने इतना बेड़ा गरक कर लिया कि आपकी तो कोई सुनने को तैयार नहीं है, यही कहना चाह रही है ना? मतलब इन्होंने दिल से माना कि ये जो पत्रकार हैं दलाली वाले। आप जैसे लोगों के लिए कहते हो तो है कि हाथी चला